प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। दूसरे है वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरु जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप इनकी शरारतों पे चिल्ला देते हैं और उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा एक शिक्षक कितने सारे बच्चों को कैसे संभालता होगा। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त है, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उसे अनखिले फूल को छिड़क देते हैं, जाओ पढ़ो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके सोचिएगा कि एक शिक्षक कैसे अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखते हैं अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ाई नहीं करता, इसकी शिकायत भी आप एक शिक्षक से करते हैं। क्या करे, हमारा मुन्ना अपनी बात ही नहीं सुनता, आप जरा इसे डराइए। ए भाई, बच्चों को डराना है तो उसे किसी बाप के सामने ले जाओ। आप गुरु ब्रह्मा टाइप की बातें रखते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान को तो छोड़िए, पर शिक्षक को भी इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार भी नहीं कि एक शिक्षक का भी व्यक्तिगत जीवन होता है, उसकी भी भावनाएं होती है, सीमाएं होती है। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों में जाने कितने चक्कर काटे होंगे। एक ही चीज तीन या चार बार पूछते हैं तो आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3 जमा 1 और 1 जमा 3 दोनों बराबर हो गए। भले ही एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं, सभी शिक्षक गण को समर्पित एवं सम्मानित अभिव्यक्ति भाव एवं चिंतित करते हेतु प्रेरित है यह बात। नाटिका के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन में जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य हेतु गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है।